हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। नाउ कंटिन्यू द चैप्टर मैट्रिसेस। वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस। सो लेट्स कम, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस? व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस? व्हाट अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस? बेटा अगर इफ लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अब आपका स्कूल मैट्रिक्स हो ए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज नोटेड बाय ए डैश और ए टू। आप दे ली सकते हो ए ट्रांसपोज और ए डैश। तो बेटा ट्रांसपोज, जब भी कोई मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करना आता है तो हम क्या कहते हैं, वी जस्ट गोइंग टू इंटरचेंज रो बाई कॉलम। जो भी आपका कॉलम होता है उसको रो से इंटरचेंज करते हैं। अगर आपका फर्स्ट ये कॉलम, आपके यहाँ पे थ्री रो है इस मैट्रिक्स में, आप देखोगे थ्री रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और टू कॉलम है। तो बेटा हम रो से कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, आपका फर्स्ट रो बनेगा ए बी, आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम सी डी, एंड थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम। ओके, नाउ दिस इज द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज थ्री क्रॉस टू, थ्री क्रॉस टू, और यार ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू क्रॉस थ्री। बेटा ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स है इन जनरली ए आई जे, आपका फॉर्म है मैट्रिक्स का ए आई जे, देन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए डैश कैन बी रिटन एज ए जे आई। ओके, अगर इसका मैट्रिक्स एम, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एम है, बेटा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। बस वी जस्ट चेंज टू रो फ्रॉम कॉलम। नाउ इफ यू हैव मैट्रिक्स वन टू थ्री, वन टू थ्री, फोर फाइव माइनस वन, फोर फाइव माइनस वन, देन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बेटा क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट बन जाएगा फर्स्ट कॉलम ए डैश, यू कैन रिटर्न ए डैश, ये हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर फाइव माइनस वन। दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा कितना है, दो रो है तो टू रो एंड थ्री कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टू क्रॉस थ्री। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज थ्री क्रॉस टू, थ्री रो एंड टू कॉलम। बेटा जानते हो कि ये आपका एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, तो दिस इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, आपको पता है रो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ रो इज, सॉरी, व्हेन नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, तो देन द मैट्रिक्स बिकम रो मैट्रिक्स। बट आप देखोगे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कम है, कॉलम ज़्यादा है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, कॉलम कम है, केवल दो ही कॉलम है, और नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, बेटा ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो अगर किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, मान लीजिए आपकी ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, या कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रो मैट्रिक्स। और सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, देन द सम ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ए प्लस बी। बेटा इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज का सम करोगे तो उसके सम के इक्वल होगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, दूसरा ए मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज लोगे, फिर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स अगेन आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको रिवर्स आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, एम क्रॉस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, आपका एम क्रॉस एन। बेटा जब ट्रांसपोज लोगे तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स बनेगी। अगेन बेटा फिर अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको फिर से मिलेगा ए इक्वल टू एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिल जाएगी, आपको रिवर्स पुरानी वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। एंड बेटा अगर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो रिक्वायर्ड नहीं है, बस आप इस प्रॉपर्टी को आप जानते रहिए, इसका यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ़ ए इन टू बी आपका कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या होगा कि बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
ये तीनों प्रॉपर्टी हैं। बेटा हम आते हैं व्हाट इज स्क्यूज मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यूज मैट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक्स इफ ऑल इफ लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन इफ ए आई जी इज इक्वल टू ए जी आई। मतलब बेटा ए कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स हो उसका और जो एलिमेंट ए आई जी हो वे एलिमेंट ए जी आई भी होना चाहिए। लेट में अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए वन वन ए टू वन सॉरी ए वन टू ए टू वन ए टू टू बेटा ए सिमेट्रिक्स कब हो, ये तो ऑलरेडी इक्वल हो गया ए आई जी यहाँ पे तो डायगोनल तो सेम होगा बेटा वो तो एक ही रहेगा। लेकिन ए आई जी मान लीजिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका इक्वल होगा तब ये क्या कहते हैं आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ये अगर थ्री को थ्री हो जाएगी तो ए वन थ्री हो जाएगा और ये बेटा हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री बेटा अब इस मैट्रिक्स के लिए अब अगर यहाँ पे आपका एलिमेंट ए ए टू वन ए टू वन इक्वल टू ए वन टू होना चाहिए ए थ्री वन इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए आपका ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए ए थ्री वन इक्वल टू ए वन थ्री दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। हाँ जब ये इक्वल होगा बेटा तो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक कब होगी किस फॉर्म होगी। मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है बेटा वन टू थ्री एंड जीरो जीरो वन वन टू थ्री थ्री बेटा ये आप देख रहे हो ये अभी यहाँ हम फोर फोर लिख दें तो आप देख रहे हो कि ये एलिमेंट्स इक्वल हैं ये एलिमेंट्स इक्वल हैं और ये तो ए वन वन इक्वल है तो ये अभी क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको अगेन वही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लोगे आप तो अगेन वही आप फिर से मैट्रिक्स मिलेगी। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हाँ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास जो मैट्रिक्स है वन थ्री जीरो थ्री वन थ्री थ्री जीरो। अब बेटा ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगे ए ट्रांसपोज तो क्या मिलेगा बेटा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगे तो क्या मिल जाएगा ए ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स क्या होगा ए ये तो रो चेंज करके बेटा ये फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। हाँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। नाउ कम अनदर टॉपिक बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूँ मैं स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई जी। बेटा अगर ए आई जी इज इक्वल टू प्लस आई जी होता तो आपका वो सिमेट्रिक होता अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स यहाँ पे जीरो ये थ्री है दिस इज माइनस थ्री ए जीरो बेटा ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक पॉइंट और है कि इसका मेन डायगोनल ये जो होता है ये ऑलरेडी जीरो होता है ये हमेशा क्या होता है जीरो ही होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जीरो माइनस फाइव दिस ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखोगे कि ए टू ये कौन सा एलिमेंट है ए टू वन ए टू फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये बेटा ये ए वन टू तो अब देखोगे कि ए टू वन इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन टू तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डायगोनल आर जीरो। ए थ्री वन बेटा यहाँ पे देखोगे आप दोनों क्या साइन इंटरचेंज है तो ये प्लस में ये माइनस में है और ये तो ये आपका क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लोगे अगर आपका मैट्रिक्स ए है बेटा ये इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको बस माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स मिलेगा माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ओके तो
व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेटा, इफ यू हैव एन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए देन इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश सॉरी ए ट्रांसपोज या ए डैश अब ए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू ए इज इक्वल टू आई आई आपका क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अगर आपके पास ए डैश ए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है बेटा तो आपको क्या होगा कि देन यू से कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट है क्वेश्चन बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2531 एंड बी इज इक्वल टू 5720 दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों कॉलर क्या 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जैस हैव टू। तो बेटा क्या करोगे ए इंटू बी आप फाइंड आउट करोगे ए मैट्रिक्स ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए इंटू बी आपको पता है कि क्या होता है वो तो पता है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम तो क्या मिल जाएगा बेटा फर्स्ट रो 2x5 यू कैन गेट 10 प्लस 5x10 यू ऑल्सो गेट 10+10 ओके। नाउ अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यू गेट सेकंड एंड 2x7 इज 14 एंड 5x0 इज +0। नेक्स्ट हैव अ थर्ड अंदर क्या करोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आपको मिलेगा फर्स्ट 3x5 इज 15 प्लस 2x1 2 अगेन 3x7 इज 21 +0 ओके बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 20 14 आपको मैट्रिक्स मिलेगी 17 एंड 21 आपको मैट्रिक्स होगी आपको मिलेगी 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब बेटा इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिल जाएगा 20 17 14 एंड 21 ओके। अब बेटा आपको प्रूफ करना है बी डैश इंटू ए